रखें तो सामने की ओर जय बाबा मराठा की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हो उमर लग रखा है ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नकोदर बाबा मराठा की जगह में, तो आपको मैं बाबा मराठा की जगह का पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो चलो गाइस चलते हैं फिर। तो हम शाहगढ़ से बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ से अभी नकोदर 14 किलोमीटर है। इस तरफ कपूरथला है तो सीधा जलंधर है, तो साइड में नकोदर है। हम फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे नकोदर, तो चलो चलते हैं फिर नकोदर। गाइस सब जा रहे हैं उस रास्ते में जिस जगह में बाबा जी का डेरा है, तो चलो गाइस चलते हैं फिर। सहज अस्पताल है, सीधा जाएंगे तो बाबा जी का डेरा सामने दिखेगा। 4 गेट हैं, ये 4th गेट है आप देख सकते हो। तो सब बहुत ही ऊंची द्वार कर रखी है, चलते हैं। तो अभी पार्किंग में लगाएंगे बाइक, इधर बाइक पार्किंग है, लगा लेते हैं बाइक। इधर पार्किंग के साथ लेडीज और जेंट्स टॉयलेट रूम है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है जी। तो ये पानी पीने के लिए है पार्किंग के साथ। तो अभी जोड़ा घर में हम चप्पलें उतार देंगे, तो बूट हम पहन के नहीं आए थे। चलो चलते हैं अंदर फिर। तो जोड़ा घर है ये, चलते हैं फिर अंदर की ओर। देख सकते हो काफ़ी बड़ा है जोड़ा घर ये। गाइस हमने जमा करा दी है, अभी देख सकते हो आप लोग। गाइस हमने जोड़ा घर में अभी चप्पलें जमा करा दी है, तो चलते हैं फिर अंदर की ओर। तो आपको मैं अंदर का व्यू दिखाऊंगा। ये रहा सामने रोड के सामने का दृश्य है गेट के, तो चलते हैं अंदर फिर। तो इधर पैर धोने के लिए बना रखा है, तो पैर धो लेते हैं हम। ये देख सकते हो सामने का दृश्य है। तो इधर पीपल का दरख्त लग रखा है, यहाँ से अभी प्रसाद ले रहे हैं हम। प्रसाद ले लिया है हमने, तो अंदर की ओर जा रहे हैं अभी हम। जय बाबा मराठा जी। तो सामने की ओर जय बाबा मराठा की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हो। तो अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है, देख सकते हो। तो आपको मैं कैमरा चारों तरफ करके दिखाऊंगा अभी, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही सुंदर कारीगरी है यहाँ का रखी टाइल के साथ। ये दफ्तर है डेरा बाबा मराठा जी ट्रस्ट का, इस तरफ काफ़ी लोग आ रखे हैं अभी भी। तो चलते हैं फिर आगे। जो ट्री है बीच में लग रखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो चलते हैं अंदर की ओर। फिर नंबर लग रखा है ऊपर, चलते हैं अंदर। फिर देख सकते हो आप लोग, तो अभी अंदर जाएंगे। तो डेरे के बाहर एक पार्क है, तो आपको मैं पार्क का व्यू दिखा देता हूँ, तो साथ में झील भी बोल सकते हैं हम, तो आपको झील का व्यू दिखा देता हूँ मैं। देखते हो बहुत ही सुंदर व्यू है ये। साइड में पार्क बन रखी है, तो इधर पानी है, झील, अब देख सकते हो बहुत ही सुंदर व्यू है। तो काफ़ी लोग आके यहाँ पिक्चरें क्लिक कराते हैं, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर व्यू है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये व्यू कैसा लगा। तो पार्क के अंदर जाना मना है, आप देख सकते हो। तो गाइस हमने प्रसाद ले लिया है, तो बाहर आ चुके हैं अभी। गाइस अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो अंदर तो फ़ोन चलाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाया। तो बाहर का व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर जगह है। आप यहाँ आ सकते हो, जलंधर से कम ये 25 किलोमीटर की दूरी में है ये जगह। बगीचा है, तो पेड़ लग रखे हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर व्यू है। तो गाइस अब हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर बाहर। तो गाइस बाहर आ चुके हैं अभी, तो बाहर का व्यू एक बार फिर दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सुंदर व्यू है। साफ सफाई का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी हम रोड में आ चुके हैं, तो अभी जोड़ा घर से हम चप्पलें लेंगे, चलेंगे फिर तो बाहर की और डेरे के बाहर की और शॉप्स की कुछ दुकानें हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग, सामान ले सकते हो आप लोग यहाँ। बच्चों के खिलौने भी हैं इधर, काफ़ी हैं इधर शॉप्स, आप लोग देख सकते हो। फोटो की दुकान भी है इधर, बाबा महाराज शाह की, घर ले जाने के लिए, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग। तो लोग यहाँ विदेशों से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मत्था टेकने के लिए, तो आप भी आ सकते हो यहाँ, विजिट कर सकते हो। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।